प्रहार टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। अक्सर देखा जाता है कि सरकारी दफ्तरों में ज़्यादातर सरकारी बाबू बिना रिश्वत के कोई भी फाइल आगे नहीं बढ़ाते हैं, मगर कभी कभी इन बाबुओं की करतूत कैमरे में कैद हो जाती है और ये बेनकाब हो जाते हैं। परिवहन विभाग का एक बाबू 500 रुपये रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद हो गया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में गाड़ी ट्रांसफ़र करने के नाम पर सुविधा शुल्क के नाम पर 500 रुपये एक बाबू ने मांगा और पैसे लेते हुए इस बाबू को युवक ने अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे में कैद कर लिया। हालांकि इस बाबू पर आरटीओ प्रशासन के संजीव कुमार ने साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई करने की बात कही है। हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं कैसे पैसे लेते हुए ये बाबू कैमरे में कैद हो गया है और अधिकारी ने इस बाबू पर कार्रवाई करने के लिए क्या कुछ कहा है। गोंडा से हामिद अली की ये रिपोर्ट। हेलो, हाँ पांडे जी, हाँ बैठ कर तो आपको हम आए थे 10 मिनट बाद। हाँ छोड़ के उन्हें तो जाओ, कुछ कम ले लो बाबू। अरे 50 वो दिन 200 रुपया दे दिया गया जो 300। अरे 50 किलोमीटर दूर से आते हैं गरीब आदमी, को मैं ले ली नहीं मैं हम में देखो तो हम कोई कोनो बात ना है। वो इसे इतना जिनसे इनके दूर दूर आए थे रोज हर्जा करे थे तब देखो तो पूरा फॉर्मेलिटी पूरा कह दिया आपका जो मानो तो कहते कुछ ले लो कमजोरी है आदमी का। काफी हम दूर से आते हैं ना, काफी दूर से ये दिक्कत आता है। ठीक यही है, रोज आते जाते रहते हैं, अभी यही आएंगे। अभी आप लोगों द्वारा एक वीडियो मुझे दिखाया गया है जिसमें जो आप बात कह रहे हैं इस तरह की कोई बात सुनाई पड़ रही है। संबंधित बाबू जवाब तलब करने के पश्चात अगर उसके द्वारा इस तरह के किसी विधि विरुद्ध कोई मांग की गई होगी तो निस्संदेह उसके खिलाफ कार्रवाई की।